अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मिली और अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वन की लैब मैं ऑनलाइन करवाऊंगा। तो ऑन कैंपस आप लैब फोर तक कर चुके थे, अब आज हम शुरू करेंगे लैब फाइव जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी। तो बीजेटी की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में आप पढ़ चुके होंगे क्लास में, तो आज हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बीजेटी को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें जो एरो अगर आउटवर्ड हो तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और अगर इनवर्ड हो तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। इसकी जो एक्चुअल पैकेजिंग है वो इस तरह की होती है, जिसमें ये ऊपर वाला ये प्लास्टिक का इसका शेल होता है और नीचे इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और मीटर। तो आज के हम पहले टास्क में फाइंड करेंगे कि इसका कौन सा टर्मिनल बेस है, कलेक्टर है और कौन सा एमिटर है। तो और ये भी फाइंड करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये किस मटेरियल का बना है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके तीनों टर्मिनल्स पे बारी बारी डायोड मोड में लगाकर डीएमएम को डायोड मोड में लगा के उसके दोनों प्रोब्स को इसके बारी बारी तीनों टर्मिनल पर लगाएंगे। पहले 1, 2, 2, 1, 2, 3 एंड 3, 1, 3, 1, 3 इस तरह से चेक करेंगे, ये 6 कॉम्बिनेशंस को चेक करेंगे। तो जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान हमेशा चाहे पॉजिटिव नेगेटिव लगाएं या नेगेटिव पॉजिटिव लगाएं और तो ये ओपन सर्किट दे रहा होगा, तो वो दोनों टर्मिनल्स इसका कलेक्टर और एमिटर होंगे, उनमें से कोई भी बेस नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग टर्मिनल होगा वो इसका बेस होगा। तो हमें पता चल गया इस ट्रांजिस्टर की बेस कौन सी है। तो अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि इस ये ट्रांजिस्टर की टाइप क्या है। तो उसके लिए हम इसके जो डीएमएम है उसके नेगेटिव टर्मिनल को पहले बेस पर लगाएंगे और फिर उसकी पॉजिटिव टर्मिनल को बारी बारी इलेक्ट्रॉन और मीटर पर लगाकर चेक करेंगे क्या ये ओपन सर्किट दे रहा है या फिर कुछ वोल्टेज दे रहा है। तो अगर तो ये ओपन सर्किट दे रहा होगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, और अगर ये कुछ वोल्टेज दे रहा होगा तो ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। और फिर इसके हमें पता चल गया कि ये एक एनपीएन है ट्रांजिस्टर है या पीएनपी। तो अब हम फाइंड करेंगे कि ये इसका कलेक्टर कौन सा है और मीटर कौन सा है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी बेस टर्मिनल को डीएमएम के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे और बाकी दोनों टर्मिनल पर बारी बारी नेगेटिव टर्मिनल लगा के चेक करेंगे। तो जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज की वैल्यू लोअर होगी तो वो बेस और कलेक्टर होंगे। बेस का तो हमें पता है, तो लोअर वाला जो होगा टर्मिनल उसकी वो एक इसका कलेक्टर होगा, और जिस पर हायर वैल्यू होगी थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा इनके दरमियान में, जिस पर हायर होगी वो एमिटर होगा। ये डिफरेंस इनकी कलेक्टर और मीटर की थिकनेस की वजह से है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका कलेक्टर कौन सा है और मीटर कौन सा है। अब हम फाइंड करते हैं कि ये किस मटेरियल का बना है। तो उसके लिए हम इसको उसी तरह से चेक करेंगे जो बेस पर लगाकर और कलेक्टर मीटर पर लगाकर। तो अगर तो इसके दरमियान में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 या 700 मिली एम्पीयर करीब आ रहा हो तो ये एक सिलिकॉन से बना होगा, और अगर ये 300 मिली एम्पीयर के करीब आ रहा हो तो ये जर्मेनियम से बना होगा। तो अब हमें इसकी सारी स्पेक्स का पता चल गया कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है, एनपीएन है, और इसके टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, बेस कौन सा है, मीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, ठीक है। और हमें यह भी पता चल गया कि ये सिलिकॉन से बना है या जर्मेनियम से। तो उसके बाद हम दूसरे टास्क पे आते हैं। दूसरे टास्क में हम इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करेंगे और इसका अल्फा और बीटा भी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये सर्किट ड्रॉ करेंगे, इसमें हम ये पोटेंशियोमीटर्स यूज करेंगे 1 MΩ पर 5 KΩ का। ये पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, जिनको नहीं पता पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करते हैं, इसका क्या काम है, उसके लिए बता दूं कि
ये एक इस थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है जिसके दो टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और जो एक एक टर्मिनल होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। तो इसको हम वोल्टेज डिवाइडर लगाकर इससे हम वेरिएबल वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम ये पहले ये थ्री हम जो ट्रांजिस्टर इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे वो होगा 213904। ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और हम इसके बेस एमिटर कलेक्टर को इस तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे और इसमें ये सर्किट ड्रा करके तो हम इसका पहले ये जो आर बी है इसके अक्रॉस वोल्टेज सेट करेंगे 3.3 वोल्ट। वो कैसे सेट करेंगे, हम ये 1 मेगा ओम के पोटेंशियोमीटर की नॉब को घुमाकर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होता रहेगा और उसको हम 3.3 वोल्ट पर पहले सेट करेंगे जिससे इसके क्योंकि ये 330 किलो ओम का हमने रेजिस्टर लगाया है तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 10 माइक्रो एम्पीयर हो जाएगा अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज 3.3 वोल्ट होंगे। तो उसके बाद हम आ जाएंगे इस पोटेंशियोमीटर पर, इसको हम वेरी करेंगे और इस कलेक्टर मीटर वोल्टेज जो VCE होगा इसका इस ट्रांजिस्टर का उसको सेट करेंगे 2 वोल्ट पे। पहले 2 वोल्ट इस 5 किलो ओम को चेंज करके हम 2 वोल्ट पर इसको सेट करेंगे और फिर इसकी VRC इस RC रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसको हम नोट डाउन कर लेंगे अपने टेबल में और फिर उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे 4 पर ले जाएंगे फिर 6 पर, इस तरह से हम वैल्यूज नोट करते जाएंगे VRC की और साथ हम VVE की वैल्यू भी नोट करते जाएंगे। ये वैल्यूज नोट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उसके बाद फिर हम इस पर दोबारा आ जाएंगे इस 1 मेगा ओम के पोटेंशियोमीटर पर, फिर इसको हम 6.6 वोल्ट पर सेट कर देंगे इस RB के क्रॉस वोल्टेज को। अब उससे इसके इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो 20 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम फिर वही काम करेंगे, 5 किलो ओम वाले को सेट करेंगे और RC की VCE को 2 वोल्ट पर सेट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे RC की। ये वैल्यूज फाइंड करके फिर हम 2 के इंक्रीमेंट के साथ फिर वैल्यूज लेंगे सारी। इसी तरह हम इस 1 मेगा ओम को 9.9, 13.2 और 16.5 पर भी सेट करके यही सारी वैल्यूज दोबारा लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी तो उसके बाद हम करंट फाइंड करेंगे, बेस करंट और इसका कलेक्टर करंट। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बेस करंट जो होगा वो वही होगा जो इस RB में से फ्लो करेगा। तो हम इस पर सिंपल ओम ला लगा कर VRB बाय RB कर इसके IB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसी तरह जैसे हमने VRC फाइंड किया है इस VRC के जरिए से हम इस RC में से करंट को फाइंड कर लेंगे जो कि इसके कलेक्टर करंट के बराबर होगा, IC के बराबर होगा। तो हम VRC बाय RC से IC और IC भी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास IC और IB आ गया है तो इस दोनों का सम IE के बराबर होगा तो हम IE की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो इसके जरिए से हम हमारे पास IC है, हमारे पास VCE की वैल्यूज हैं तो हम उससे इसकी एक करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रा कर सकते हैं IC वर्सेस VCE की, जो कि हर IB के लिए एक डिफरेंट कर्व देगी। इस तरह से हर IB के लिए एक डिफरेंट कर्व आ रही होगी और IC और VCE की वैल्यूज को हम पॉइंट लेंगे उसके बाद उस पर उसकी कर्व ड्रा कर देंगे। तो कुछ जब जैसे जितना IB लोअर होगा उतना वो कट ऑफ के करीब होगा IC की जो कर्व है और जितना वो IB ज़्यादा होगा उतना वो सैचुरेशन के करीब होगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बीटा की तरफ। तो बीटा जो होता है इसका करंट गेन होता है, यानी कि हमने बेस पर कितना करंट अप्लाई किया तो और हमें कलेक्टर पर कितना करंट मिला तो वो हम फाइंड कर सकते हैं IC ओवर IB से, और अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जो कि IC ओवर IE है जो कि अराउंड अबाउट 1 आती है, बल्कि 1 से थोड़ा सा कम आती है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम बीटा की एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, अल्फा की एक वैल्यू हमें अल्फा की वैल्यूज पता चल जाएगी
तो हमें इस ट्रांजिस्टर की एक जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल जाएगी जो कि हमें इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता देगी कि ये ट्रांजिस्टर किस तरह से बिहेव करता है। तो ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो पहले हम करते हैं हमारा फर्स्ट टास्क। तो सबसे पहले ये है हमारा BJT ट्रांजिस्टर है जो कि 2N3904 है। तो अब हमें तो पहले से ही पता है कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। वैसे हम इसके लिए एक अनमार्क ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी फाइंड करेंगे ये एक NPN है या PNP। उसके अलावा हम इसके टर्मिनल्स भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं और इसका लेबल कर लेते हैं कि ये इसका टर्मिनल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद हम आते हैं अपने DMM पे। अब DMM को हमने यूज़ करना है इस मोड में, डायोड मोड में। जब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डायोड, ये इस बटन से हमने इसको पहले डायोड मोड में पुट करना है। ये या तो बताएगा या ये ओपन है या फिर ये बताएगा इसके दो टर्मिनल सिग्नल में क्या वोल्टेज है। तो सबसे पहले हम इसके सारे टर्मिनल्स के दरमियान में चेक करेंगे क्या वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। तो हम पहले ये 1-2 पे चेक कर रहे हैं, ओपन है, फिर 2-1 पे चेक कर रहे हैं। अच्छा, अब 2-1 पर हमें मिल रहा है 0.646। तो हम इसको अपने टेबल में नोट डाउन कर लेंगे 2-1 पर हमें कुछ वोल्टेज मिले हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं 2-3 पर, 2-3 पर भी हमें कुछ वोल्टेज मिल रहे हैं, इसको भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें मिले हैं सिर्फ 2-1 पर और 2-3 पर। उसके बाद 3-2 और 1-3, 3-1। अच्छा, अब जो 3-1 और 1-3 इनको मैं चाहे नेगेटिव पॉजिटिव लगाऊं, चाहे या पॉजिटिव या नेगेटिव उल्टा करके लगाऊं, तो इसको दोनों स्टेट्स में ये ओपन ही दे रहा है। जबकि जब मैं 2 और 3 और 3 और 2 जब मैं 2 टर्मिनल को लेकर आता हूँ बीच में, तो हमें ये कुछ वोल्टेज देता है। अब हमें क्या पता चला, जो 1 और 3 हैं इनके दरमियान में हमेशा ओपन है, तो जो 1 और 3 हैं ये दोनों बेस और कलेक्टर हैं, कलेक्टर और एमिटर हैं। तो अब हमें इन दोनों के अलावा जो 2 टर्मिनल है वो बेस होगा, तो हमें बेस का पता चल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ये क्या टाइप है इसकी। तो उसके लिए हम पहले बेस पर नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं और फिर उसको 1 पर लगाते हैं, ओपन है, 3 पर लगाते हैं, वो भी ओपन है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हमने इसकी बेस के बाद दोनों टर्मिनल्स को चेक किया तो ये हमें ओपन सर्किट मिला, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर। अगर ये हमें कुछ वोल्टेज मिलते 0.6 के करीब, तो हमें ये एक PNP ट्रांजिस्टर होता। अब यानी एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो हम इसकी बेस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे DMM के, और फिर इसके 1 पर लगाएंगे तो हमें मिल रहे हैं 0.646 वोल्ट, और जब हम 3 पर लगाते हैं तो 0.675 वोल्ट। तो 3 पर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं और 1 पर हमें कम वोल्टेज मिल रहे हैं। तो 1 इसका क्या होगा, एमिटर, और 1 इसका क्या होगा, कलेक्टर, और जो 3 होगा वो इसका होगा एमिटर, क्योंकि इस पर हमें 3 पर ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं। तो ये हमें इसका कलेक्टर और एमिटर का भी पता चल गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, कलेक्टर बेस एमिटर। अच्छा, अब इसके ये ख्याल रखना है कि इसकी नंबरिंग हमने इस तरह से की है कि हमने इसकी कर्व्ड साइड, ये जो इसकी इसके एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कर्व्ड है, तो हमने कर्व्ड साइड को अपनी तरफ रखा था और हम इस तरह से नंबरिंग किया, तो हमें यहाँ पर कलेक्टर, बेस और एमिटर मिले हैं। तो हमें पता चल गया कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसका इसकी कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर, बेस और एमिटर है। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका मटेरियल कौन सा है। तो उसके लिए हम इसकी बेस पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाकर इसके दोनों तरफ वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये 0.6 से 7 के दरमियान आ रहा है, 0.6 7, और यानी कि ये 700 मिली वोल्ट के करीब है।
तो ये सिलिकॉन से बना, अगर ये 0.3 के करीब आता तो ये एक जर्मेनियम का इसका मटेरियल होता, लेकिन ये 0.7 के करीब है तो ये अब सिलिकॉन से बना है। तो इस अब हमारा पहला टास्क पूरा हो गया, तो चलते हैं सेकंड टास्क की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड एंड थर्ड टास्क की तरफ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अपरेटस दिखा दूं, जिसमें हमने ये पोटेंशियोमीटर्स लगाए हैं, दो ये 1 MΩ का और ये 5 KΩ का, और ये आ गया हमारा BJT 2N3904 और ये हमारा 1 KΩ का रजिस्टर और ये हमारा 330 KΩ का रजिस्टर। तो इसका सर हमने अपनी सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली बना लिया और इसको मैंने 20 वोल्ट्स दिया है। 20 वोल्ट्स हमारी वैसे स्टेशन से नहीं आते, लेकिन मैंने इसको प्लस 15 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट के ज़रिए से दिया है। मैंने इसका ग्राउंड के बजाय माइनस 5 वोल्ट दिए हैं, तो उससे हमें इससे इसको 20 वोल्ट्स मिल रहे हैं। तो उसके अब हमने इसकी रीडिंग्स लेनी है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने, ताकि आपको रीडिंग सारी एक टाइम पर नज़र आती रहें, मैंने 4 मल्टीमीटर्स लगाए हैं, जिसमें हम एट अ टाइम सारे वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें VRC शो होगा, यहाँ पर VRB और यहाँ पर VCE और यहाँ पर VBE शो होगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने VRB को 3.3 पर सेट करेंगे। 3.3 पर सेट किया, उसके लिए हम 1 MΩ के रजिस्टर, ये पोटेंशियोमीटर को सेटअप करेंगे। 1 MΩ के रजिस्टर को मैंने चेंज करता हूँ, तो इसमें ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है VRB की, तो इसको मैंने 3.3 पर सेट कर दिया। अब मैं इसको 5 KΩ के रजिस्टर को चेंज करके अपनी VCE की वैल्यू को चेंज करूँगा। अब VCE को मैं 2 पर सेट करता हूँ, VCE को मैंने 2 पर सेट किया। अब मैं रीडिंग्स नोट करूँगा VRC और VBE की। VRC मैंने नोट कर लिया 3.78 है मेरे पास, 3.78 नोट कर लिया, और VBE मैंने नोट कर लिया, ये 655 mA आया मेरे पास, 655 mA। इसी तरह अब मैं अपने VCE को बढ़ाऊंगा, 4 पर ले जाऊंगा, 4 पर ले जाकर मैं रीडिंग्स लूंगा VRC की, VBE की, फिर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसको मैं 6 पर ले जाऊंगा, फिर रीडिंग्स लूंगा VRC और VBE की, और फिर 8 पर। इसी तरह मैं इसको 2-2 के इंक्रीमेंट से 16 तक लेके जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल केस नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पास ये 16 वोल्ट पर नहीं जा रहा, हमारे पास ये 15.7 वोल्ट तक जा रहा है, तो हम 16 की जगह पर 15.7 पे रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर वापस आ जाते हैं, हमारे पास क्योंकि 16 तक रीडिंग्स हो गई हैं VCE की, अब हम आ जाते हैं दोबारा से VRB की तरफ। अब VRB को हम फिर से चेंज करेंगे और 3.3 की बजाय इसको 6.6 पर सेट करेंगे, 6.6 पर हम इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब VCE की वैल्यू को फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे। अब इसको फिर से 2 से स्टार्ट करके मैं वैल्यूज लूँगा VRC की, VBE की, जो क्या पहले 7.4 और फिर VBE की वैल्यू 673। ये हम वैल्यूज़ नोट करते जाएंगे, फिर 2 के बाद 4 पर 7.5 के करीब आ रही है, और फिर इसको चेंज करूँगा मैं 6 पे, 8 पर ले गया, 8 पर ले ली वैल्यू, फिर 10 के बाद फिर 12
ट्वेल्व, अच्छा अब ये यहाँ पर तो 14 तक रेंज दी हुई है, लेकिन हमारा ये 12 से पहले 11.6 पर से आगे ये नहीं जा रहा, तो हम इसको 12 पर इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे VRC और VB की, और 14 वाला जो हम खाली छोड़ देंगे ज़रा। उसके बाद हम फिर इसकी वैल्यू को 1 MHz वाले को चेंज करेंगे और 9.9 पर सेट करेंगे VRB को। पर सेट करने के बाद हम VCE को 2 से स्टार्ट करेंगे, तो अब हमारे पास इसकी VRC वाली 11.34 के करीब आ रही है, VB 673 अब 4 पे, फिर 6 पे, 6 पे 11.7, फिर 8 पर, अच्छा अब ये 8 पर ही स्टॉप हो गया, 7.8 पर। तो यहाँ तक हम वैल्यूज लेकर इसको छोड़ देंगे, वो जो क्या है हमारी वैल्यू 12.11। इसी तरह हम इसको फिर 13.2 के लिए भी करेंगे, 13.2 को यहाँ पर सेट करेंगे VRB को, फिर यहाँ से इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, टू पे 15 वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास अभी RC के, और फिर 4 पे, फोर पे 15.34, फिर ये हमारे पास 4.4 से आगे नहीं जा रहा, तो हम इस पर भी इसकी एक रीडिंग ले लेंगे। फिर हम इसको VRB को सेट करेंगे दोबारा से 16.5 पे, 16.5 आ गया। इधर से हम इसको 2 पर सेट करेंगे, 2 पर हम इसकी रेडिंग लेंगे जो कि VRC आ रहा है 7.8, और VB हमारा 700 mA के करीब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अब मुझे VCE को मज़ीद 2 के बाद बढ़ाया नहीं सकता, तो हमारे पास 16.5 पर सिर्फ एक ही रीडिंग आई है। ठीक है, तो अब मैंने ये सारी रीडिंग्स नोट कर ली हैं, अब इन सारी रीडिंग से मैं IC और IE की वैल्यू फाइंड करूँगा। IC और IE को फाइंड करने के बाद IC को फाइंड करने के लिए VRC को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 kΩ से, क्योंकि इसके अक्रॉस मुझे VRC मिल वोल्टेज हैं, तो हम इसको 1 kΩ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसमें से करंट आ जाएगा जो कि 3.76 mA पहले ही रीडिंग के लिए, इसी तरह सारी सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ के लिए भी मैं कर लूँगा, mA में सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर उसके बाद IE फाइंड करेंगे, IE के लिए हम IC प्लस IB कर देंगे, IC की जो भी वैल्यू आई है ये mA में, ये μA में, तो इसमें IC की वैल्यूज़ में 10 μA में पहले डालूंगा, फिर अब जब ये 6.6 वैल्यूज़ लेंगे तो उसमें 7.5 प्लस 20 μA करेंगे। इसी तरह सारी वैल्यूज़ की IE फाइंड कर लेंगे, फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करें, अल्फा के लिए IC/IE और बीटा के लिए IC/IB। अच्छा, अब अल्फा की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो हमारी तकरीबन सारी वैल्यूज़ 0.997 ही आ रही हैं, क्योंकि उनमें इतना चेंज नहीं हो रहा था, तो अल्फा की वैल्यूज़ तो हमारे पास सारी तकरीबन 0.997 के करीब आई हैं, और बीटा पे आ गए, बीटा जो है हमारे पास 376 से स्टार्ट होता है, और फिर पहले जब हम 3.3 पर तो 425 तक जाता है, फिर जब हम इसका VRB को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये फिर से 375 से स्टार्ट होता है और फिर 422 तक जाता है। तो इस तरह बीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इधर हमने ये कर्व ड्रा करनी है,
अच्छा, अब कट ड्रा करने के लिए मैं इस स्केल पर आईसी ले लूँगा 1 mA पर बॉक्स, और इस स्केल एक्स एक्सिस पर वीसीई ले लेंगे 1 V पर बॉक्स, ठीक है। फिर हर आईबी के लिए मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ पर पॉइंट्स के निशान लगाऊँगा, और फिर हर वैल्यू के लिए एक एक कर्व ड्रा हो जाएगी। आईबी 10 μA के लिए ये कर्व, फिर आईबी 20 μA के लिए कर्व, फिर 30 μA के लिए कर्व, और इसी तरह 50 μA तक के लिए हमने डिफरेंट कर्व निकाली। ये इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व आ गई हमारे पास हमारे ट्रांजिस्टर की, ठीक है। उसके बाद हम आगे अगले पेज पे चेक कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं अगर हमारे पास। तो पूछ रहा है कि जी कि डिड बीटा इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन आईसी, क्या बीटा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ आईसी के इंक्रीज करने से। तो हम इसका आंसर है कि जब हम आईसी को इंक्रीज करते थे तो एवरेज बीटा डिक्रीज हो रहा था। ये देखें, जब हम आईसी जहाँ से इंक्रीज हो रहा था तो एवरेज बीटा, पहले यहाँ पर 376 बीटा की वैल्यू आ रही थी मेरे पास, जब मैंने इसको ये रेंज में था 3 और 4 की, जब मैं इसको 14 और 17 mA की रेंज में लेके गया हूँ तो ये 356 तक इसका बीटा जो है एवरेज बीटा वो गिर गया। तो अब उसके बाद वो पीछा कि क्या बीटा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वीसीई को चेंज करने से। तो वीसीई को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते थे तो बीटा इंक्रीज करता था, ये हम 2 से 4, 6, 7, 8, 16 तक जब लेके जाते थे तो वो 376 से लेकर 425 तक चला जाता था। और उसने पूछा कि वीसीई का इफेक्ट ज़्यादा था या बीटा का आईसी का, तो वीसीई का इफेक्ट ज़्यादा था क्योंकि उसके जरिए से ज़्यादा चेंजिंग आ रही थी। फिर उसके बाद हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड की बीटा की, जो कि हमने सारी वैल्यूज़ को सम करके उसको डिवाइड कर दिए। फिर उसके बाद हमने वी बी ई की एवरेज वैल्यू फाइंड की। अब ये सिलिकॉन के लिए है तो आइडियली तो ये फिक्स ही होनी चाहिए 0.7 या फिर जितने भी उसका ड्रॉप है 0.7 पर फिक्स होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास थोड़ी बहुत चेंज हो रही थी मिली एम्पेयर्स में। तो हमने इसकी जब एवरेज वैल्यू निकाली तो वो 6.658 आई। तो पूछता है कि क्या हम जो 0.7 V का जो वैल्यू लेते हैं आया ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन के लिए, तो क्या वो सही है अप्रोक्सीमेशन है। तो उसका आंसर ये है कि 0.7 V हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोक्सीमेशन होगी कि हम इसको 0.66 लें, 0.7 या फिर क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ बहुत ज़्यादा ना करें 66 तक हम इसको राउंड ऑफ कर लें और उसको यूज़ करें तो हमारी ज़्यादा वैल्यूज़ अच्छी आएंगी। तो ओके, फिर आज की हमारी इस तरह से लैब ख़त्म हुई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में।